गया गायब हो गया। अरे भाई साहब, चलो देख लिया यार। फिर एक खतरनाक मंजर देखा हमने अपनी आंखों से। ये कि गोप्रो में कैप्चर हो गया था ये, जस्ट जो बगल पे रिवर चलती है वहां से टाइगर आया और बहुत ही स्पीड में, बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसने रोड क्रॉस कर दी। ये था कि हमारा गोप्रो एन वक्त में चल रहा था और वो कुछ सेकंड का हमें शॉट मिल गया, वो हम आपको दिखाते हैं। अब भाई आज क्या हो रहा है यार, वीडियो में मिलने वाला आज खतरनाक होने हो रहा है। हाँ जी, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। क्या देखा? चार टाइगर्स देखे। Hey guys, welcome back to our YouTube channel Wildlife D-Zone। मैं आपका friend and host दीपांकर खुलबे स्वागत करता हूँ आप सभी का आप लोगों के YouTube चैनल Wildlife D-Zone से। तो दोस्तों आज हम आए हैं झरना जोन में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सफारी करने, और ये एंट्री गेट है ढेला का। तो यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं और ये हमारी सफारी गाड़ी है और मॉर्निंग की सफारी है आज। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आज मॉर्निंग की सफारी करने वाले हैं। और चलो चलते हैं सफारी गाड़ी में और बाकी अपने को पैसेंजर से मिलाता हूँ, जो हमारे साथ बाकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आए हैं उन लोगों से आपको मिलाता है और चलते हैं उसके बाद जंगल की तरफ। भाई साहब इस बार हमारे साथ आए हैं जीजू और साथ में मेरी सिस्टर भी आई है आज, तो काफ़ी टाइम बाद, और खत्री जी, और साथ में हैं डॉक्टर निमिषा मैडम। और साबू भाई, पे अभी जस्ट गेट पे आ गए हैं, आईडी चेक, गेट पे आ गया, आईडी चेक हो गई और परमिट चेक होगा। और अभी अग्नि सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, 1 फरवरी से 7 फरवरी के टाइम। हाँ और थोड़ा सा उजाला होने लग गया और गाड़ी भी काफी ज्यादा पहुंच गई है। और इसी के साथ हम भी एंट्री करते हैं, तो बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया। तो चलो आज अपनी सफारी सफल करते हैं और चलते हैं जंगल की तरफ। तो यार अभी सीन ऐसा है कि काफी ज्यादा गाड़ियां निकल गई है और हम जस्ट वेट कर रहे हैं गाइड का। तो हमारे गाइड पता नहीं कब आएंगे और हमें आज काफी इंतजार कराया जा रहा है, तो देखते हैं ऐसा। वो भाई आज इंतजार करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि हमसे पहले काफी गाड़ियां आ चुकी थी। और फाइनली हमारे गाइड सब आ गए हैं आज के। सर जो हमारे कॉर्बेट पार्क का क्षेत्रफल है 1300 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका एंट्रीज गेट है 7 गेट। कॉर्बेट का मेन पार्ट है टिकारा जोन धनगढ़ गेट, जिसमें की नाइट स्टे कंपलसरी है, लेकिन उसके लिए 45 डेज पहले ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है, तब जाके वहाँ का परमिट मिलता है। बाकी जो 6 गेट है उनके नाम है बिजरानी, झेरना, दुर्गा देवी, पतनबासा और ढेला। छठा नंबर का गेट है हमारा गर्जिया जोन। इस वाले जोन में सर जो हमारे हैं 2 गेट है, एक जिसमें हम चल रहे हैं ढेला जोन है, इसी में 5 किलोमीटर आगे निकल कर फिर हमारा झरना जोन आएगा। थोड़ा सा आप लोग दोनों तरफ ध्यान देते हुए चले, जहाँ पर भी आप खुल गए कहीं पर कुछ है तो गाड़ी रुका सकते हैं आप, लेकिन गाड़ी से उतरना अलाउड नहीं है। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक रैपर वगैरह है तो भी बाहर फेंकना अलाउड नहीं है। अपना मोबाइल बॉलिंग संभाल कर रखना, अगर कहीं गिर गया तो मिलेगा नहीं क्योंकि अंदर जाकर फिर नेटवर्क नहीं है। बाकी आप बाकी अभी हम पहुंच गए हैं ढेला के ग्रासलैंड में। तो स्पॉटेड डियर, बंदर को भगा दिया वो, डियर और बंदर, और यहाँ पे स्ट्राइक डियर। चलो देखा मेरे ठीक सामने डियर मेल। तो यार अभी हम पहुंचे हैं खारा गेट की तरफ, तो यहाँ पे एक बार परमिट वगैरह चेक होता है और किसी को अगर फ्रेश वगैरह हो रहा है तो यहाँ पे कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, उसके बाद
मतलब आगे आपको रुकने को नहीं मिलेगा इजीली। और भाई मतलब सही हो रहा है अभी सनराइज के टाइम में, जो एकदम ऑरेंज सी लाइट आती है ना सन की, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मून भी अभी प्यारा सा साफ दिख रहा है। और गाइस जस्ट अभी निकले थे और सनराइज हम देख रहे थे और जस्ट हमें स्पॉटेड डियर की कॉल आई है, अलार्म कॉल, तो देखते हैं वहां पहुंच के। और जो कॉल आप सुन रहे हो है जंगल फॉल की, तो उसकी भी अलार्म कॉल होती है कई बार टाइगर की सेटिंग होती है तो। कॉल कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, हम निकल जाएगा भाई साहब। तो अभी हम काफी देर से यहाँ बैठे हैं और अभी लंगूर की भी कॉल आई है अलर्ट, लंगूर भी फुल एक्टिव है, मतलब अलर्ट कॉल का मतलब कि 100% टाइगर तो है ही अंदर, लेकिन अभी देखते हैं क्या सीन रहता है। आगे बढ़ा लो थोड़ा। हम लोग काफी देर से वेट कर रहे थे कंटिन्यूस कॉल, दो यार तो सब कर दिया खराब यार। अरे आगे चल, यानी दौड़ के निकलेगा वो, यही रहो यही रहो। आ रहा है ऐसे क्या देखोगा आप उसे, अगर बोला जाता ना कि टाइगर अपनी इच्छा से दर्शन देता है तो वही चीज़ हो रहा है। एक बार टाइगर ने अपने दर्शन तो दे दिए, लेकिन उसके बाद उसके दो कब्स भी हैं यहाँ पे जो हमें साइटिंग हो गए थे, मतलब काफ़ी दूर थे लेकिन चलते भागते तो हमें मोमेंट दिख गई थी अपनी आँखों से, लेकिन कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ तो, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। देखो आज हमारी वैसे दो सफारी, तो पहली सफारी अभी चल रही है। सामने आप देख रहे हैं पहाड़, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिमालयन ग्रीफन, हिमालयन वल्चर है जो कि अपर हिमालय से माइग्रेट करके
यहाँ हमारे जिम कॉर्बेट तक आते हैं और शीत ऋतु यानी मतलब ठंडी में ठंडक के टाइम में जब हिमालय पूरा फ्रोजन हो जाता है यहाँ वो अपना आवास बनाते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो यार अभी हम पहुंचे हैं हाई बैंक की तरफ। तो ये वो एरिया है, समर में यहाँ बम्पर साइडिंग होती है और यहाँ ग्रेट हॉर्नबिल की भी कॉल आ रही है। कंटिन्यू सुनिए। तो ये है आवाज ग्रेट हॉर्नबिल के। दो बैठे हैं, एक ऊपर भी है, एक इससे ऊपर है। खाली चोंच दिख रही है इसकी वजह से। चल रही आगे से एंगल मिलेगा इसका? आगे से नहीं मिलेगा। नहीं नहीं आगे से तो ब्लॉक हो जाएगा। ले ले आगे ले वो बीच में खाली दिख रही। ये देखो गाइस हमारे सामने स्पॉटेड डेज। और ये बीच में आप देख रहे हैं फायर लाइन। अरे ये इसके बच्चे छोटे छोटे। गाइस यहाँ पे लगूर है और काफ़ी अच्छा फनी मूवमेंट भी था मान ले, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींची है और बहुत अच्छी पोज में बैठा है यार। मतलब मैं आप लोगों से फोटोग्राफ शेयर करूँगा। दादा लंगूर दादा। तो यार ये होता है कि लंगूर ने भी हमें बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स दिए हैं तो आप लोगों से शेयर करते हैं। और अभी हम पहुंचने वाले हैं यूपी बॉर्डर पे। तो गाइस ये है यूपी का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व झिरना गेट। ये झिरना जिम कॉर्बेट का ही पार्ट है लेकिन इसकी एंट्री होती है बिजनौर उत्तर प्रदेश से, आता झिरना के ही अंदर है, उसका बफर पार्ट हम बोल सकते हैं इसको। और ये हम पहुंचे हैं कटपुली और इनसे हम रिटर्न जाते हैं। और भी है छोटू सा डियर। तो ये अभी भी हमारे पास ही बैठी है और भरपूर सभी लोगों ने इसके फोटोग्राफ्स उतारे हैं अपने कैमरे के थ्रू। ये देखें और इसको भी बोलते हैं बाय डियरी, थैंक यू। बहुत ही क्यूट सी है छोटी बच्ची। सेमल के पेड़ पे एंड रहूंगा रैकेटेल। Thank you.
और अभी हमें जस्ट सांबर डियर का बेबी दिखा था, उसके हमने कुछ शॉट लिए हैं तो दिखाएंगे आपको। देखो एक भाई साहब, चलो देख लिया यार। फिर एक खतरनाक मंजर देखा हमने अपनी आंखों से। ये कि गोप्रो में कैप्चर हो गया था, ये जस्ट जो बगल पे रिवर चलती है वहां से टाइगर आया और बहुत ही स्पीड में, बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसने रोड क्रॉस कर दी। ये था कि हमारा गोप्रो एन वक्त में चल रहा था और वो कुछ सेकंड का हमें शॉट मिल गया है, वो हम आपको दिखाते हैं। अब भाई आज क्या हो रहा है यार, वीडियो लेने वाला आज खतरनाक होने हो रहा है भाई। वही चीज़ होता है जंगल में, मतलब सब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती है। लाइक हम जहाँ से आए ना, ग्रास लैंड वाला एरिया मैंने दिखाया आपको, उससे पहले हम फोटोग्राफ्स ले रहे थे सांबर डियर के, और वहीं मतलब टाइगर उतनी देर में। टाइम का पूरा गेम है, पूरा गेम टाइम का, लक का, बहुत चीज़ें होती है मैटर करती है जो, तो ये चीज़ें हैं। तो अभी हमें मतलब कि तीन टाइगर सुबह स्टार्टिंग में दिख गए थे जो कैमरे में तो नहीं आ पाए क्योंकि झाड़ी के अंदर थे, और एक टाइगर यहाँ से क्रॉस करते हुए हमें लास्ट मोमेंट पे दिखा था और उसके बाद भागते हुए जस्ट दिखा। और जो हमें सुबह की साइटिंग हुई थी वो इस एरिया में हुई थी, फर्स्ट साइटिंग। तो अभी हमारा मतलब फर्स्ट हाफ तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो अब हमारे सेकंड हाफ में टारगेट डिसाइडेड है किस किस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा टाइम देना है। तो ऐसा ही होता है गाइस, जंगल सफारी में तो, लेकिन हमारे दर का भी अच्छी सफारी थी क्योंकि हमने अपनी आँखों से जो मोमेंट कैप्चर कर रखा है ना वो एक तरफा है। और बहुत अच्छी साइडिंग चल रही है आजकल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तो आप लोग भी जरूर आइएगा। पहले बोला जाता था जिम कॉर्बेट में साइडिंग नहीं होती, लेकिन दबा के चल रही है हमारा तो मतलब काफ़ी टाइम से हमें रेगुलर साइडिंग मिल रही है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सी टी आर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आइए और लुत्फ उठाइए यहाँ के फॉरेस्ट का। और जो ये देख रहे हैं आप, ये रास्ता, ये ढेला जोन से आता है और अभी हमें झिरना जोन, तो आगे जाके ढेला और झिरना का सिंगल एक ग्रासलैंड बन जाता है। खत्री जी क्या शूट कर रहे हो, है वल्चर है।
गाइस फाइनली हम बाहर की तरफ जाते हुए, तो कैसा लगा फिर आपको साइडिंग? एक तरफा बढ़िया थी, शॉर्ट्स आ जाते तो अच्छा होता, लेकिन कोई वो नहीं है जो दौड़ देखी है ना, क्योंकि यार आंखों से देखने के बजाय एक अलग आनंद होता है, एक अलग मज़ा होता है, तो जिसके लिए आपको ना घर से बाहर निकलना पड़ेगा और आना पड़ेगा जिम को नेशनल पार्क में। ब्लॉग में तो हम दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं आपको, बाकी एक बार आके भी देखना, एक अलग फीलिंग होती है, तो वो एक अलग एहसास होता है, वो आप जरूर ट्राई करना। और गाइस अभी हम पहुंच गए हैं बाहर, हमने एग्जिट कर दिया है, तो फर्स्ट हाफ की सफारी, मॉर्निंग सफारी आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारी काफ़ी अच्छी रही, तो जिसमें हमें मतलब टाइगर की साइटिंग हुई और मतलब बाय लक हमें एक शॉट भी मिल गया था और जस्ट रन करते हुए हमारे गोप्रो में भी कैप्चर हो गया था। और बाकी लोगों से अब मैं पूछता हूँ उनका फीडबैक, उनका रिएक्शन क्या है आज साइटिंग को लेके, तो जानते हैं। हाँ जी, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। क्या देखा? चार टाइगर्स देखे, उनमें से एक थोड़ा सा कैप्चर हुआ, बाकी अब मेरी आंखों ने कैप्चर किया है। कोई नहीं, एक हमने गोप्रो से भी कैप्चर कर लिया, आप भी बना लो बाकी अभी। खत्री जी, हाँ जी, कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार अनुभव रहा आज का, एक तो जाते हुए टाइगर दिख गया था और लेकिन जो अभी जो दूसरी बार टाइगर दिखा वो तो बिल्कुल आंखों में छप गया है, जैसे नेपाल में छप गया था ना, बिल्कुल नेपाल में शुक्ला फाटा की तरह। शुक्ला फाटा में भी मतलब जो टाइगर ने जो हमने लास्ट मोमेंट में देखा था ना, उसने रन करा था, उसको हम कैप्चर नहीं कर पाए थे रन करते हुए, सेम ये टाइगर का भी हुआ है, लेकिन गोप्रो में थोड़ा सा एक्शन हमने कैप्चर कर लिया है। और बाकी निमिषा मैम ने भी कैसी साइटिंग करी आज? अच्छा रहा, बहुत तगड़ी साइटिंग थी, बस आंखों से कैप्चर करा, टाइम नहीं दिया। आज जो है तो सिर्फ आंखों वाला था, केंद्र वाला नहीं था, टाइगर की टाइगर दौड़ा था कुछ अब तक। आज ये कि मतलब कई बार ये होता है कि हम कैमरे में ज्यादातर कैप्चर करते हैं, आज हम आंखों से कैप्चर करके जा रहे हैं, और अभी सेकंड हाफ में हम फिर से आएंगे और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।